अफगानिस्तान की सरजमीं पर श्रीदेवी रुकवा देती थी गोलियां। जी हाँ, अपनी फैन फॉलोइंग के चलते वो अफगानिस्तान के युद्ध पर भी लगवा देती थी विराम। श्रीदेवी को इस दुनिया से अलविदा कहे हुए 6 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी के कुछ किस्से ऐसे हैं जो किसी ने नहीं सुने, और जब वो सबके सामने आते हैं तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। आज G24 लेकर आया है एक ऐसा ही अनसुना किस्सा श्रीदेवी की जिंदगी के बारे में, और इस किस्से में हम आपको बताएंगे कि उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए गोलीबाजी और युद्ध तक पर फुल स्टॉप लगवा दिया था। बॉलीवुड की चांदनी के नाम से मशहूर श्रीदेवी को गुजरे आज 6 साल बीत चुके हैं। 24 फरवरी साल 2018 को दुबई से अचानक खबर आई थी कि श्रीदेवी नहीं रही, और इस खबर से पूरे देश में सन्नाटा पसर गया था। एक्ट्रेस के निधन की खबर पर किसी को भी यकीन कर पाना आसान नहीं था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी, लेकिन पिछले 6 सालों से उनके निधन और जिंदगी के कई अनसुने किस्से सुनने को मिल चुके हैं। तो चलिए, उनकी छठी डेथ एनिवर्सरी पर E24 लेकर आया है उनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जिस पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दरअसल ये बात साल 1992 की है, जब श्रीदेवी अपने करियर के पीक पर चल रही थी। उन्हें एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे और अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था। उस समय श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में होनी थी, और उस दौरान अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे। हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी वहाँ के लोगों के लिए एक आम बात हो गई थी। खौफ का मंजर कुछ ऐसा था कि लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। उस वक्त सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी थी, जो राष्ट्रपति बने थे। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े फैन थे। ऐसे में जब अमिताभ और श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई तो वो तुरंत मान गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ माहौल बेहद खराब था। ऐसे में जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुजकशी की मजार ए शरीफ पहुँचे, तो राष्ट्रपति नजीबुल्ला अहमद जोइनी अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ उन दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी। कई बार तो ऐसा होता था जब श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थी। वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे। शूटिंग खत्म होते ही गोलीबारी फिर शुरू हो जाती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं, जब ये दोनों फिल्म की शूटिंग खत्म करके वापस लौट रहे थे तो राष्ट्रपति नजीबुल्ला ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। खुदा गवाह अपने दौर की बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी का स्टारडम ऐसा था कि उनके आगे अमिताभ बच्चन भी फीके पड़ गए थे। श्रीदेवी फिल्म खुदा गवाह में काम करे इसके लिए अमिताभ ने उन्हें एक ट्रक गुलाब भेजी थी। यही नहीं, मूवी में अमिताभ के मुकाबले उनका रोल भी बड़ा था। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में डबल रोल किया था। देखा जाए तो श्रीदेवी ने जो स्टारडम देखा है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस को नसीब हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट E24।